हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको हम कहते हैं विरोधी दल-बदल कानून। तो आपको ये जनरल वे में जानना जरूरी है क्योंकि आपने देखा है आजकल राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, तो इन चीज़ों का यूज़ काफ़ी हो रहा है। तो इसको हम समझते हैं कैसे किसी भी मेम्बर का डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। ओके, तो सबसे पहले इस लॉ की व्याख्या करने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट को आप लोग माइंड में रखोगे। 1985 में इसको लाया गया विरोधी दल बदल कानून के तौर पर। तो इसमें क्या था कि दसवां जो अनुसूची थी, जो 10th स्केड्यूल था भारतीय संविधान का, उसमें चेंज किए गए और जो रेफरेंस दिया जाएगा वो है 52nd अमेंडमेंट जो है 1985 के तौर पर, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसकी व्याख्या कौन सा संवैधानिक संशोधन करता है, 52nd। ओके, अब इसमें एंटी डिफेक्शन में आप ये देख लो कि डिफेक्शन का मतलब जो है वो क्या होता है। डिफेक्शन को अगर डिफाइन किया जाए तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी पार्टी का लीडर है, अगर वो अपनी पार्टी के तौर तरीकों के खिलाफ जाकर किसी दूसरी पार्टी को अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो उसको हम परिभाषित करते हैं किससे, डिफेक्शन से। ओके, अब इसको हम और भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई। तो आपने देखा होगा जब भारत का संविधान जो है ओरिजिनली है तो उसमें जो एंटी डिफेक्शन नाम की कोई चीज़ पहले नहीं थी। लेकिन क्या था कि ऐसा पहले क्यों था, क्योंकि पहले केवल एक ही पार्टी रूल करती थी, वो भी थी कांग्रेस। लेकिन बाद में जब कांग्रेस हार गई 1967 के इलेक्शंस में और बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टीज थी उन्होंने अपना कोलिशन बना लिया, मतलब कि गठबंधन बना लिया, तो फिर क्या था कि ए पार्टी से बी में कोई बंदा आ रहा है, इधर छोटी पार्टी है तो इससे इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ही ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये परिभाषित किया गया है, वहीं से इसको लाने की बात की गई है। ओके, अब एक बार ऐसा हुआ था कि जो कहानी के तौर पर अगर देखा जाए तो हरियाणा के एक लेजिस्लेचर हैं जिनका नाम है गयालाल। ओके, इन्होंने अपनी पार्टी को 3 बार जो है चेंज किया। ओके, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें ज़्यादा निकल कर आई। और हमने एक वर्ड भी यूज़ किया था, आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, आयाराम गयाराम के तौर पर। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आईं तो ये हिस्ट्री थी। अब ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया, कैसे आया, तो इसको हम थोड़े अच्छे से परिभाषित करते हैं। जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 52वां संवैधानिक संशोधन, तो इसमें क्या हुआ कि 4 आर्टिकल्स में चेंजेस किए गए। 4 आर्टिकल हैं, इनको अमेंड किया गया और एक 10वीं अनुसूची के तौर पर इनको ऐड किया गया, जिसमें 101, 102, 190 और 191 जो है इन आर्टिकल्स को, इनको जो है चेंज किया गया। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ बताई गई है कि किस किस तौर तरीके से हम डिफेक्शन जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स जो है वो कैसे कैसे किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस जो लॉ से पूरी तरह लोग संतुष्ट नहीं थे। ओके, इसमें भी कुछ कमियां थी। अब जैसे इसका क्रिटिसिज्म बहुत बड़े लेवल पर लोगों को देखने को मिला, लेकिन बाद में आपने देखा कि जो ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसमें जो कमियां थी, अब जैसे एक कमी को मैं यहां पर दिखाना चाहूं कि अगर टोटल सीट 60 है, सपोज कर लो कि किसी असेंबली की बात की जाए, यहां पर 60 सीट है और 60 में अगर 1/3 मेंबर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ओके, किसी पार्टी बी में ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि 20 मेंबर 60 में से, तो उनका जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो यही कमियां थी, इनको आगे जो है और ज़्यादा बड़े लेवल पर इम्प्रूव किया गया। उसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 2003 के तौर पर। इसमें 2 लॉ आए थे, एक आया था साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये अमेंडमेंट हुआ, दूसरा हुआ अमेंडमेंट इन डिफेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ये साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब है कि कितने मिनिस्ट्रीज जो है हो सकते हैं किसी भी एक गवर्नमेंट में। लेकिन अभी हम इसको पढ़ते हैं जो एंटी डिफेक्शन में फिर से अमेंडमेंट किया गया। रीजन आपको पता चल गया कि अगर 1/3 छोड़कर जा रहे हैं तो उन पर जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लग रहा था। लेकिन जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 91 संवैधानिक संशोधन जब आया, तब क्या हुआ कि 1/3 तो इन पर नहीं लग रहा था, लेकिन अब जो है इसको बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। मतलब अगर 60 में से 1/3, मतलब कि 20 मेंबर अगर पार्टी छोड़कर जाएंगे तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत होगा। लेकिन अगर 2/3 छोड़कर जा रहे हैं, अगर मैंने मान लिया 60 मेंबर हैं और इसके 2/3 मतलब 40 लोग अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। ये इस संवैधानिक संशोधन में ये बातें रखी गई। ओके, अब थोड़ा सा और हम अच्छे से इसको समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो किस किस ग्राउंड्स पर हो सकता है, किस किस तरीके से ग्राउंड जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो स्टेट असेंबली में डिस्क्वालिफिकेशन होगा, पार्लियामेंट्रीज जो हैं, लोकसभा राज्यसभा जो MPs हैं इनका डिस्क्वालिफिकेशन है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। ओके, लेकिन ये
जो दो चीजों पर वैलिड नहीं होता है डिस्क्वालिफिकेशन, किस पर? एक तो मर्जर पार्टी विद अनदर पार्टी, कोई पार्टी के मेंबर्स, मैंने कहा ना 2/3 अगर छोड़कर जा रहे हैं तो उस पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, जो अभी मैंने बताया जो 91 जो है ये संवैधानिक संशोधन था इसके अंतर्गत। और जो स्पीकर है, प्रेसाइडिंग ऑफिसर है, अगर ये अपनी पार्टी छोड़ देता है, ओके, पार्टी की जो सदस्य उससे छोड़कर, क्योंकि ये न्यूट्रल वर्क होता है, आप देखते हैं स्पीकर का वर्क क्या होता है, ये दोनों के लिए होता है, जो पार्टी रूलिंग है जो अपोजिशन है उन दोनों के लिए इसका वर्क न्यूट्रल होता है, तो इसका पार्टी छोड़ने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उस गतिविधियों के अंतर्गत इसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, ओके। तो ये चीज आपको पता चल गई किस किस का हो सकता है। स्टेट असेंबली में जो MLAs हैं इनका है, और लोकसभा राज्यसभा में MPs हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं इनकी बात कही गई है। तो अब सबसे पहले नंबर पॉइंट को देख लो, मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है उसका मेंबर है, तो अगर वो वॉलेंट्री रिजाइन कर रहा है अपनी पार्टी से, ठीक है, स्वेच्छा से पार्टी रिजाइन कर दिया, और अथवा उसने डिसओबेड द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन अ वोट, कहीं पर वोट डालने की बारी आई और वो पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट डाल रहा है, तो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स में वो पाया जाएगा, ओके। और अगर आपने पार्टी की सदस्यता से रिजाइन दे दिया तब भी यहां पर बात कही गई है, ओके। अब एक चीज और है कि अगर वो वोट नहीं करता है विप के अकॉर्डिंग, विप का मतलब आप देख लो क्या है, मैंने कहा कि कोई भी एक नया कानून पास होना है पार्लियामेंट में, ओके, तो उस दिन पार्टी क्या करती है, विप जारी करती है कि भाई इस दिन वोटिंग होने वाली है और आप सारे लोग जो है आपको आना है एनी हाउ। अगर उस दिन बंदा जो है नहीं आता है और इस चीज को अपोज करता है, कुछ और रीजन है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के दायरे में जाएगा, पार्टी उस पर एक्शन ले सकती है, ओके। तो ये विप होती है, विप को एक ये टेक्निकल वर्ड है पॉलिटी में, इसको आप लोग देख सकते हैं। पार्टी की विप के अगेंस्ट में अगर आप जा रहे हो और वोट कर रहे हो तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, ओके, अब इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे जब चुनाव की बारी आई तो आपने क्या करा कि नींबू मिर्ची पर चुनाव लड़ लिया, ओके, नींबू मिर्ची आप देखते हैं आ रही है इनके इलेक्शंस पर, लोग जो है सिंबल्स पर चुनाव लड़ते हैं। फिर बाद में आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, जैसे आपने अगर बीजेपी या फिर कोई अदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उस केस में जो है ये बात कही गई है, ठीक है, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, ओके। अब दूसरी चीज आप ये ध्यान रख लेना कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब ये हुआ कि हमने किसी भी मेंबर को नॉमिनेट किया, ओके, जैसे कोई भी आर्ट एंड कल्चर के फील्ड से आया और उसने जो है हाउस को ज्वाइन कर लिया, तो क्या है कि विद इन 6 मंथ, ओके, इसमें लिखा है नॉमिनेटेड मेंबर्स हु वर नॉट मेंबर्स ऑफ अ पार्टी कुड चूज टू ज्वाइन अ पार्टी विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंतर वो एक पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में वो करते हैं, ठीक है, तो इनके डिस्क्वालिफिकेशन को ट्रीट किया जाएगा। ये बातें नॉमिनेटेड वालों के साथ में अप्लाई हो सकती हैं, ओके। अब दूसरे आगे करते हैं कि इसको डिस्क्वालिफाई कौन कर सकता है, किसके पास पावर दी गई है डिस्क्वालिफाई करने की। तो आप देख लो कि अगर राज्यसभा की बात की जाए तो जो वाइस चेयरमैन है उनके पास पावर है, लोकसभा की बात की जाए तो स्पीकर है, ओके, और असेंबली की बात की जाए, ठीक है, स्टेट असेंबली लेजिस्लेचर, तो वहां पर स्पीकर की बात की गई है, ठीक है, ये लोग डिस्क्वालिफाई जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर चेयरमैन या फिर स्पीकर के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट आती है इस तरीके की, तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे लगेगा, उसके लिए क्या है कि मेंबर ऑफ द हाउस इलेक्टेड बाय द हाउस शैल टेक द डिसीजन, मतलब जो हाउस है उसका ही कोई एक मेंबर बनाया जाएगा, वो इनके लिए डिसीजन लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी पर एलिगेशन लगे और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इसका भी थोड़ा सा एक प्रोसीजर होता है कि उसको अपना एक चांस दिया जाता है कि भाई अपनी बातों को आप रखो, अपनी बातों को बताओ कि क्या इशू है एग्जैक्टली, ओके, और ये मैटर जो है कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर इंक्वायरी जो है इसके पास जाता है, फिर जो है कंप्लीटली डिस्कशन स्टार्ट होता है, ओके। तो ये तो एक पूरी रूपरेखा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दल बदल विरोधी कानून जो है ये लाना कितना जरूरी था, ओके। अब एक चीज हम और यहां पर प्रोटम स्पीकर की आपने बात सुनी होगी न्यूज में, आजकल आप देख रहे होंगे कि भैया प्रोटम स्पीकर जो है ये क्या है। प्रोटम स्पीकर की एक ड्यूटी होती है कि जब नए मेंबर इलेक्ट होके आते हैं असेंबली में तो उनको शपथ दिलाना, ये सबसे बड़ा वर्क जो है प्रोटम स्पीकर का फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि प्रोटम स्पीकर जो है जस्ट लाइक अ स्पीकर की तरह हम इसको मान सकते हैं कि अगर वोटिंग हो रही है, ओके, अगर फ्लोर टेस्ट हो रहा है और वोटिंग के टाइम पर, ओके, वोटिंग के टाइम पर अगर टाई हो गया तो जो वोट है वो कौन डालेगा, वो डालेगा प्रोटम स्पीकर, और उसका डिसीजन जो है फाइनल यहां पर निकल कर आता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है प्रोटम स्पीकर हाउएवर कैन वोट हिमसेल्फ ड्यूरिंग द मेजोरिटी टेस्ट, ठीक है, अगर कहीं पर मेजोरिटी टेस्ट हो रहा है तो वहां पर ये अपना वोट डाल सकता है लाइक अ स्पीकर, ओके, और जो है
टाई स्थिति में, ठीक है, मतलब कि जब कभी भी टाई होने की स्थिति होगी तो निर्णायक बोर्ड जो डाला जाएगा उसका अधिकार किसके पास होता है, ये होता है प्रोटम स्पीकर के पास में, ठीक है। और इसके अलावा जो है क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाई के बाद जो है स्टार्टिंग में जो है प्रोटम स्पीकर के पास भी ये पावर्स हैं। ओके, अब एक चीज हम और देख लेते हैं कि इस कानून को लाने से क्या एडवांटेज हुए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने देखा कि ज़्यादा जो है पॉलिटिकल एक तरीके से बैलेंस हो गया। बैलेंस होने का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि पहले पार्टी टूट जाती थी, इससे इसमें गए, ओके, तो इन सब चीज़ों को जोड़कर जिसको जनता ने चुना है वो प्रॉपर वर्क करती थी, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े मर्जर्स देखने को मिले कि जो पार्टी में मेंबर्स हैं 2/3 अगर जा रहे हैं तो किसी बड़ी पार्टी में ये लोग जो है 2/3 जो है ये शामिल हो जाते हैं, ओके, तो ये मर्जर्स आपको देखने को मिले। और इसने क्या है जो करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग जो है इसको रिड्यूस कर दिया। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब है जो MLA खरीदे जाते थे, मतलब। तो दोस्तों इस तरीके के और भी वीडियोस आप तक आते रहेंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अपकमिंग डेज में कुछ और भी जो जनरल बेसिक टॉपिक हैं ये मैं डिस्कशन में जरूर लेकर आऊँगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।